अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, कि जो इंसान के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होती है वो किस सिस्टम के थ्रू होती है। सिस्टम आप लोग को पता है कि उसको कहते हैं कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करें, दैट्स कॉल्ड सिस्टम। उसको सिस्टम कहते हैं कि जब डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करें तो उसको नाम देते हैं सिस्टम। अब ये जो यूरिनरी सिस्टम है, मतलब कि यूरन बनाने के अंदर जो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं कि जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, चार ऑर्गन्स हैं कि जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नंबर वन, पेयर ऑफ किडनी। अब ये देखें कि यहाँ पर हम बना लेते हैं कि ये एक किडनी है, एक ये किडनी है, कि पेयर ऑफ किडनी मतलब कि दो किडनीज इन्वॉल्व होती हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर, पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, उसके बाद ये जो पेयर ऑफ किडनी है, यहां से ये जो इसका अंदर की तरफ कनकेव रीजन है, यहां से निकलती है एक ट्यूब, यहां से ये एक निकल रही है ट्यूब, इसी तरह यहां से भी निकल रही है। जो दोनों ट्यूब्स हैं इसको क्या नाम दिया जाता है, यूरिटर्स। मतलब दूसरा ऑर्गन कौन सा हुआ, पेयर ऑफ यूरिटर्स। अब ये जो यूरिटर्स हैं ये ओपन होती हैं जाकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये कहाँ पे ओपन हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तीसरा ऑर्गन कौन सा हुआ यूरिनरी सिस्टम के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके आगे यहाँ पर जो है वो एक ट्यूब बाहर निकलती है जिसको क्या नाम दिया जाता है, यूरिथ्रा। ये जो ट्यूब है इसको क्या नाम दिया जाता है, यूरिथ्रा। मतलब कि चौथा ऑर्गन कौन सा हुआ, यूरिथ्रा। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, कि जिसके अंदर थोड़ी देर के लिए जो यूरिन है वो स्टे करता है। ये क्या है, यूरिटर्स। मतलब एक ये और एक ये, और ये क्या है, किडनी। अब इसका थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए आर्टरी आ रही है, ये जो आर्टरी यहाँ पर आ रही है ये क्या होगा कि ये आर्टरी इसके अंदर एंटर हो जाएगी, इसी तरह यहाँ पर इसके अंदर भी एंटर हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है कि वो ब्लड लेकर आ रही है कि जिसके अंदर वेस्टेज मौजूद है, ये जो किडनी है उस वेस्टेज को फिल्टर कर लेगी और बाकी का जो वेस्टेज मटेरियल है वो यहाँ से इधर आ जाएगा। इस यूरिटर्स के होता हुआ यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता जाएगा। यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कि न्यूरिन, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको जब मैसेज आएगा तो वो स्फिंक्टर मसल को ओपन करेगा और जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो ये एक यूरिनरी सिस्टम था कि किस तरह जो यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमन का, यूरिनरी सिस्टम क्या है।